ऐसा लग रहा है मैंने कॉलेज में नहीं स्कूल में एडमिशन लिया है। ये लिखो, वो पढ़ो, ये प्रोजेक्ट बनाओ, ये असाइनमेंट करो। पता होता वो मेरा प्रोफेसर होगा तो कभी जाने अनजान बात हमेशा उस तक पहुंच ही जाती। स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में वीक है उनके लिए एक्सप्लेनेशन सही है, जैसे कि नायरा नायरा सिंघानिया, उसका तो बेस भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ढूंढ ढूंढ के मुश्किल टॉपिक देता है मुझे ताकि मैं ताकि आंसर कर ही ना पाऊं और फिर उसे बातें सुनाने का मौका मिल जाए। इतनी टेंस क्यों? सारे सवालों के जवाब तुम्हारे आसपास ही है, बस गौर से देखने की जरूरत है और कुछ नहीं। प्रोफेसर गिरी नहीं चल रहा था, जब देखो तब परेशान करते रहते हो। लगता है तुम्हें मेरी नायरा गिरी की आदत नहीं रही, नहीं तो इतना नहीं उड़ रहे होते। ऑल द बेस्ट नायरा, टेंशन मत लो, सब सही होगा। मैं हूं ना, नायरा का फंडा याद है ना तुम्हें? जो प्रॉब्लम क्रिएट करे वही उसका सलूशन भी ढूंढे। अब जाओ, ढूंढो मेरे सवालों के जवाब। प्रोफेसर होंगे तुम क्लास में, यहां तो मॉर्निंग मेंढक, सुबह हो चुकी है, उठ जाइए। क्या हुआ? और कितना सोओगे? आज कॉलेज नहीं जाना? कल तो बड़ा टेंशन दे रही थी, नो लेट एंट्री एंड ऑल, और आज खुद ही लेट हो जाओगे। मैंने ही क्लास को लेट एंट्री के लिए मना किया और मैं ही लेट हो जाऊंगा। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी नहीं खाया है, चाय नाश्ता कुछ तो ले लो। नहीं पापा, अभी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, प्लीज आने दीजिए। अरे ऐसे भूखे पेट नहीं जाते। दीदी, मेरे प्रोजेक्ट आपने कहा था कि पूरा कर दूंगी। सुधीर तुम प्लीज कृतिका के प्रोजेक्ट में हेल्प कर दोगे? मुझे कॉलेज जाना है। Sure. Thanks.
संभल के जाओ बेटा, ऐसी जल्दी क्या है, फिसल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और लेट हो गए तो हो गए, कौन डांटने वाला इसके लिए। नो लेट कमर्स इन माय क्लास, गेट आउट प्लीज। आप नहीं जानते मेरे कॉलेज के प्रोफेसर को पापा, लेट होना मतलब बातें सुनाने का मौका थी। 5-6 मिनट तो सारे लेट होते हैं कॉलेज में, पर कार्तिक इतनी भागम भाग क्यों कर रहा था, वैसे भी वहाँ पढ़ाने गया है, पढ़ने थोड़ी ना गया है, और उसे भला वहाँ पे कोई कुछ क्यों कहेगा, ट्रस्टी है वो वहाँ का। मैं कॉलेज जाकर देखूं कि बात क्या है, 2 दिन में ही नायरा इतनी परेशान हो गई है, ऐसा क्या है कॉलेज में? तो क्या आप नायरा बेबी का जासूसी करेगा? ये जासूसी थोड़ी ना है, मुझे चिंता है मेरी बेटी की। अयो चिंता हम लोग घर पे बैठ के भी कर सकता है, क्या बात बेबी के टेंशन के रीजन का, वो खुद ही हम लोग को आके बता देगा अगर बताना रहेगा तो। आपकी बात मैं मान लेता हूँ चट्टी महाराज, लेकिन मेरा अंदाजा भी गलत नहीं है, कॉलेज में ऐसा कुछ तो है जिससे कि नायरा परेशान हो रही है। क्या हुआ ऐसा, यहाँ ट्रैफिक मूव क्यों नहीं कर रहा? रोज का है सर, मेट्रो का काम चालू है ना, अभी तो कुछ नहीं, आप बारिश में देखना सर, इतना भी स्पीड नहीं मिलेगा गाड़ी को। सब कुछ इतना जल्दी करने के बाद भी लेट पहुंचूंगा मैं। लीजिए 10 है मैडम छुट्टा दे दीजिए। और कितने छुट्टे तो 80 होता है, 100 दे रही हो, इतना तो आप दे सकते हो ना? होता तो दे देता मैडम, है ही नहीं। ठीक है रहने दीजिए, नहीं तो वैसे जल्दी के चक्कर में शहर कैब लेनी पड़ी, पर इनसे बहस करके मुझे और लेट नहीं करना। हमारा सिग्नल हो गया, प्लीज जल्दी चलिए। कैसे चलाओ सर, ट्रैफिक देखिए ना। क्या बकवास है, 20 मिनट का रास्ता नहीं, आधे घंटे से यही वेट कर रहे हैं हम लोग। सर इससे अच्छा आप लोकल ले लीजिए, वो सामने रेलवे स्टेशन है, 3 मिनट में गाड़ी है सर, इससे फास्ट कुछ नहीं मिलेगा सर। अच्छा
प्यार का चक्कर? पहले क्यों नहीं बोला प्यार का चक्कर है? अरे जाना, तुझे बुला रही है, देख रही है तेरी तरफ। की है यादें तेरी, बंद आंखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे, ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। घर से भाग के आए हो और ट्रेन में अभी मनाने के लिए आए हो क्या रे? तब तो बोला था किसी के पीछे नहीं आया हूँ, फिर ये मैडम कौन है? अरे आंटी क्या बोलती तुम, लड़की से मिलने को आया ऐसा बोलता तो लेडीज लोगों की फीलिंग को हर्ट होता ना। जान पे रिस्क लेके तुम्हें मनाने के लिए आया है, अभी तो मान जाओ यार। ऐसा बॉयफ्रेंड किस्मत वालों को मिलता है, और ऐसी गलती फिर से नहीं करना। मेरे हस्बैंड ने भी की थी एक बार। अरे एक दिन ना मुझसे बहुत झगड़ा किया और मुझे बोला कि घर से चली जा, और मैं चली गई तो मेरे पीछे पीछे आ गया मनाने के लिए। उससे जान छुड़ाने के लिए मैं जान बुझ के लेडीज डिब्बे में चढ़ गई, तो वो भी मेरे पीछे चढ़ गया मुझे मनाने के लिए, और फिर वहां मना भी लिया उसने। मान जा बेटा, अब आया है तो चली जा। वाह क्या मस्त जोड़ी है दोनों की। अगला स्टेशन 4 स्टॉप के बाद आएगा, तब तक आप दोनों आराम से अपना झगड़ा सुलझा लीजिए। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।